स्वागत आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। बात करेंगे रसोई गैस सिलेंडर के नए दाम को लेकर। जी हां दोस्तों, 1 जुलाई आज से रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। जी हां दोस्तों, घरेलू गैस सिलेंडर का उत्तर प्रदेश में भी दाम बढ़ चुका है रसोई गैस सिलेंडर का। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो इम्पोर्टेंट जानकारी है, क्या दाम है उत्तर प्रदेश में इसको भी बताएंगे, तो अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तेल कंपनियां हर महीने एलपीजी सिलेंडरों के दाम की समीक्षा करती हैं। हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर भी होता है। इस महीने देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 14.2 केजी वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों को 25.50 रुपये का इजाफा कर दिया है। वहीं 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल सिलेंडर जो है वो 76 रुपये तक इजाफा इसमें कर दिया गया है। 14.2 केजी वाले सिलेंडर का दाम बढ़ा है। आप इसका दाम देख सकते हैं, अगर आप दिल्ली के हैं तो 14.2 केजी वाला गैर सब्सिडी एलपीजी गैस सिलेंडर 809 रुपये से बढ़कर 834 रुपये हो गया है। वहीं कोलकाता में इसका दाम 835 रुपये से बढ़कर 861 रुपये हो गया है और मुंबई में भी ये 809 रुपये से बढ़कर 834 रुपये हो गया है। चेन्नई में 825 रुपये से बढ़ के 850 रुपये हो गया है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो बस आप जाकर गूगल पर सर्च करिए यूपी गैस सिलेंडर टुडे प्राइस, तो आपको उसका दाम पता चल जाएगा। फिलहाल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में भी 25.50 रुपये बढ़ गए हैं, तो लगभग 25.5 रुपये तक बढ़ा दिया गया है उत्तर प्रदेश में भी गैस का दाम, चाहे वो घरेलू गैस सिलेंडर हो। अगर कमर्शियल गैस सिलेंडर है तो 75 रुपये का इजाफा किया गया है। तो एक इम्पोर्टेंट जानकारी थी गैस सिलेंडर के दाम को लेकर, लगातार इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। पिछले 2 महीने में नहीं हुआ था, लेकिन इस महीने से गैस के दाम में बढ़ोतरी हुई है, तो गैस सिलेंडर का नया दाम अब आपको 25 रुपये बढ़ाकर देना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।